प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां कब कैसे हो रही है यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था, फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10-15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। ये तस्वीरें देखिए, ये तब का वीडियो है जब फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा खतरे में पड़ने के बाद एसपीजी कमांडो यू टर्न लेते हैं, गाड़ियां वापस बठिंडा एयरपोर्ट के लिए लौटती दिखती हैं, जहां लौटकर एयरपोर्ट के अधिकारियों से प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न दो, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के नाल या उन्होंने कोई खतरे के नाल नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैपसेज दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है।